आदरणीय बंधु और आदरणीय बहनों, प्रणाम। आप भी डायबिटीज के शिकार हैं? ऐसे पूछ रहा हूं, भगवान ना करे आपको ये सबसे खराब बीमारियों में से एक बीमारी कभी जीवन में लगे, लेकिन सावधानी तो बरतनी होगी। आपको इस वीडियो में मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि डायबिटीज़ और मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य का किस प्रकार से आपस में जुड़ाव है। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिससे पीड़ित का लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल जाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में शरीर इंसुलिन नहीं बनाता, वहीं टाइप 2 डायबिटीज़ में पैनक्रियास कुछ इंसुलिन बनाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को अपनी आदतों में कुछ बदलाव करने की जरूरत है, जिससे कि दिमागी तौर पर भी स्वस्थ रहा जा सके। डायबिटीज का ख्याल रखने के साथ साथ पीड़ित के मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हैं तो इसके लिए आपको जरूरत है कि आप अपने मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। जितनी देखभाल आप अपने शरीर और खानपान पर रखते हैं, उतनी ही देखभाल आप अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी करें। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए तनाव और चिंता से दूर रहना ही बेहतर होता है। तनाव होने पर डायबिटीज बिगड़ भी जा सकता है और बढ़ भी सकता है। डायबिटीज आजकल काफ़ी आम हो गई है, इसका सीधा असर आपके लाइफस्टाइल से होता है। डायबिटीज में किसी तरह का डर नहीं होता, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल कैसी है इस पर यह निर्भर है। डायबिटीज में आपको अपनी रूटीन और आदतों में बदलाव करना होता है। डॉक्टर भी आपको एक अलग तरह की डाइट बताते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो, और आपको ज़्यादा मीठा खाने वाली चीज़ों और अल्कोहल जैसी चीज़ों से दूर रहने की सलाह देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लोग अक्सर सोच में पड़ जाते हैं। जो लोग टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित होते हैं, उनमें तनाव का खतरा ज़्यादा होता है। आम लोगों की तुलना में डायबिटीज पेशेंट में तनाव का खतरा डायबिटीज के कारण दुगुना बढ़ जाता है। डायबिटीज से पीड़ित लोग अक्सर ब्लड शुगर लेवल के बढ़ने घटने को लेकर चिंतित रहते हैं, जिसकी वजह से वो खाने की चीज़ों पर भी कई गुना ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इसके अलावा जब आपका ब्लड शुगर लेवल में बदलाव आता है तो इसका असर आपके मूड पर भी पड़ता है। डायबिटीज के कारण होने वाले टेंशन को डायबिटीज डिस्ट्रेस कहा जाता है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के मुताबिक ज़्यादातर लोग जो डायबिटीज से पीड़ित हैं, वो अपनी बीमारी को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं, जिसकी वजह से वो तनाव में बदल जाता है। इसके साथ ही 5 में से 2 लोगों का ये कहना है कि वो इस बात को लेकर चिंता में रहते हैं कि उनकी बीमारी की वजह से उनके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को भी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। लोग परिवार की चिंता करते हैं और अपनी चिंता भूल जाते हैं, तो उससे तनाव बढ़ जाता है। डायबिटीज और तनाव या चिंता दोनों को आसानी से दूर किया जा सकता है, साथ ही दोनों का इलाज है। इसके लिए आप किचन थेरेपी और हमारे पुस्तक खाना खजाना उनको पढ़ें, देखें कि आप अपने मेंटल हेल्थ को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप तनाव की चपेट में ज़्यादा आ गए हैं, तो इसके लिए आप किसी भी मनोविज्ञानी से संपर्क कर सकते हैं। ये आपको स्वस्थ रहने के लिए बेहतर सुझाव दे सकते हैं, लेकिन एक सावधानी, साइकेट्रिक मनोचिकित्सक अलग होते हैं और मनोविज्ञानी अलग होते हैं। यदि आप मनोचिकित्सक के संपर्क में आए तो 2 मिनट में आपको बहुत सारी दवाइयाँ लिख करके दे देगा, और वो दवाइयाँ आपके लिए घातक होगी। नींद की गोलियाँ आपके लिए घातक होगी।
इसलिए बेहतर है अपनी काउंसलिंग करवाएं, न कि दवाइयां लें। और यदि आप मुझसे संपर्क कर सकें तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलें, मैं आपको बहुत सारे तरीके बता दूंगा। और या फिर आप हमारी किचन थेरेपी पुस्तक और खाना खजाना पुस्तक देखें, उससे आपको बहुत ब्राइट ब्रॉड एक समझ, व्यापक समझ आपकी बनेगी, जिससे आपको तनाव नहीं होगा। तनाव से, तनाव को रिलीज करने की उपाय भी उसके अंदर बहुत सारे हमने बताए हैं, और हर बीमारी का इलाज भी उसमें बताया। तो आप ये पुस्तकें कहीं से भी प्राप्त करें, कैसे भी प्राप्त करें, और जीवन भर ये काम आने वाली पुस्तकें हैं। अपने बहुत निकट लोगों को भी आप इन्हें उपहार में दे सकते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी भर काम आने वाली है और ज़िंदगी भर की यादगार है। पीढ़ी दर पीढ़ी काम आने वाली है, आपकी ज़िंदगी में ही नहीं, आगे भी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। हम सातवां वीडियो भी, और अगला सातवां वीडियो भी डायबिटीज़ पर ही देंगे। डायबिटीज़ पर अभी और बहुत सारे वीडियो आएंगे, आप सभी उनको बहुत ध्यान से पढ़ें और डायबिटीज़ से बचें। डायबिटीज़ हो गई है तो उसे नियंत्रित करें। टाइप 2 डायबिटीज़ बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और हम करके बताते हैं, बहुत सारे लोगों की डायबिटीज़ ख़त्म कर दी है। धन्यवाद।